हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ रब की दुआ से ठीक होंगे। आज छोटी और बहुत गहरी बात करने जा रही हूँ कि जब हम शादी करते हैं ना, तब दो परिवार जुड़ते हैं, और जब दो परिवार जुड़ते हैं तो बहुत कुछ समझदारी से निभाने पड़ते हैं। रिश्ते हमें बहुत संभालना पड़ता है, चाहे हम अपनी बेटी किधर और बिहाते हैं या हमारे घर बेटी आती है किसी की। लेकिन मुझे सिर्फ इतना सा कहना है कि वो लड़की ने भी समझना चाहिए हर एक छोटी बात अपनी, जो कि उसका अब ये घर है, ससुराल, वहाँ नहीं जानी चाहिए मायके में। और मायके से भी एक बात माँ ने समझनी चाहिए कि अब बेटी को मैंने एक नया संसार दिया है, जो कि बेटी ने खुद चुना है, तो उस चीज़ को उसे कैसे संभालना है माँ ने उसे सिखाना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए और रोज़ हर बात पूछनी चाहिए। और अगर बेटी बताने की भी कोशिश करती है तो हमें समझाना चाहिए कि अब तेरा वो घर है, तुझे संभालना है। दो रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि शादी कर लेना आसान है, मोहब्बत करना आसान है, लेकिन किसी भी चीज़ को निभाना बहुत मुश्किल होता है। हर एक छोटी बात अगर आप यहाँ पे नहीं समझोगे या अपना नहीं बनाओगे, अपने घर को अपना घर नहीं समझोगे, आप अभी भी वहाँ हो अपने पेरेंट्स के घर में। आप एक बताइए हमें बात कि हम 20, 25, चलो 30 साल में शादी करके आते हैं, लेकिन हम जब शादी करके आते हैं, हम मायके से ज़्यादा ज़िंदगी तो अपने यहाँ गुजारते हैं, अपने पति और पति के घर में। तो हम अगर एडॉप्शन लेते हैं, जितना जल्दी हम चीज़ों को खुद का मानना शुरू कर देंगे ना, अपना घर समझ के, अपना पति, उसकी माँ, उसके बाप, या हमने अपनी बेटी भी दी है, मैं तो अपनी बेटी को कहूँगी, बेटा अब सब कुछ तुम्हारा वहाँ है, तुम उसको संभालो, तुम उसको समझो। क्योंकि हर रिश्ते को वक्त लगता है समझने के लिए, हर रिश्ते को निखारने के लिए उसमें प्यार चाहिए। अगर आपको प्यार मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है एक लड़की को अपने घर में, पति से इतना प्यार मिल रहा है, तो फिर मैं तो कहूँगी कि मारे कुर्बान हो जाऊँ उस घर के लिए और अपने घर जैसा मान लूँ। और जितना जल्दी आप ही अपने घर जैसा घर मान लेंगे ना, उस दिन देखना किसी घर में कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई घर अलग नहीं होगा। क्यों नहीं ये हम चीज़ समझते हैं? हमारे मम्मी ने हमको कहा था कि आप जब शादी करके जा रहे हो तो आप जहाँ जा रहे हो वो आपका घर है। और हम कब शिकायत करने भी लगते थे तो कहते थे शिकायत मत करना, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें होती रहती है जब आप शादी करके जाते हो। और आप जब नए नए कहीं पे भी जाते हैं, हम नए अपना अकेले भी कहीं जाते हैं, तो हमको कितनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, खुद से करनी पड़ती हैं। तो ये तो इतना बड़ा रिश्ता है जो हमने आप अपने आप से चुना है, अपने आप से शादी की है, तो हमें उस चीज़ को टाइम देना, सीखना, उसे समझना हमारे ऊपर है। हम जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। तो क्यों ना हम जल्दी से सब कुछ, सब लोगों को अपना बनाते चलें, रिश्ते निभाते चलें। सी, आप अपना कैरियर भी देख सकते हो एक लड़की में, एक लेडी में तो इतनी ताकत होती है जो अपना कैरियर भी देखती है, अपनी फैमिली बैलेंस करती है, पति के साथ एडजस्ट करती है। जब तक वो आपका लव होता है बात अलग होती है, शादी के बाद भी कुछ चीज़ें बदलती हैं, लाइफ चेंजेस। आपके एक छोटी सी बीमारी के बाद भी उठते हो तो कितने दिन लगते हैं हमको रिकवर होने के लिए। तो ये तो इतने बड़े रिश्ते हम जोड़ रहे हैं। मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, रिश्ते में रहना बहुत आसान होता है, लेकिन शादी करना, शादी करने के बाद निभाना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। और इतना भी मुश्किल नहीं होता, जितना जल्दी हम चीज़ों को समझ लेते हैं, जितना जल्दी हम एडॉप्ट करते हैं रिश्तों को, जितना जल्दी हम अपना मानते हैं रिश्तों को, उतने ही रिश्ते खूबसूरत हो जाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।